अरे अरे यार टूट गई। जब खुद का कटता है ना तब पता चलता है। ओह नो पति खत्म मयंक भाई ये क्या बोला छोड़ के अरे पता अरे मयंक भाई अरे बाबू छोड़ी दी तू मेरा हाथ कट गया। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू बार, दिस इज विशाल द वेब। तो जिग्नेश भाई अभी गए हैं किसी काम से। एक्चुअली उसके जिनी का टायर पंचर हो गया था जो कि बहुत दिन से था, आज जाके वो बनाने के लिए गए हैं, बना बना के आ गए। उसके बाद फिर से किसी और काम से मयंक भाई के साथ गए। हमारे जो बाजू वाले भैया ना उनका नाम है मयंक भाई, तो उनके साथ वो बाहर गए और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 11 और अब हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो आज के वीडियो के अंदर आपको बहुत मजा, अरे भाई साहब क्या दिख रहा है। हाँ, तो आज के वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो एंड तक इस वीडियो को देखना और अभी से शेयर कर दो भाई साहब। जो नीचे शेयर का बटन है ना उसको दबा दो, बंदा मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो ऐसा कर देने का शेयर भी। जिग्नेश भाई जो है ना वो भी गाड़ियां धोने का काम कर रहे हैं, तो अपन चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की साफ सफाई चल रही है। उनका कहना ऐसा है कि गाड़ियों की साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है, और अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है जिसको आप अपना सखा मानते हो तो फिर तो उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, ऐसा उनका कहना है और मैं भी सहमत हूँ। देखो ये भाई साहब गाड़ियों की साफ सफाई करके बाहर भी निकल गए। हो गई सफाई, डन हो गया पूरा, क्या बोलते हैं, चकाचक कर दिया। गाड़ियों की साफ सफाई करने में तो माहिर रही है, क्या बात है। जाने में तो पहचान में भी नहीं आ रही, जाने में उनको इतना मस्त क्लियर कट साफ कर दिया भाई साहब। ये देखो सामने अभी है हमारी जीनी मैडम, ये देखो भाई साहब मैं तो बाइक को भी मैडम बोल देता हूँ। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखो जिनी, ओ भाई साहब जिनी क्या लगती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये कैसी गाड़ी है ना जो सड़क पे अगर दिख जाए ना आपको, और ये और किसी की गाड़ी में नहीं है, ये सिर्फ जिग्नेश की गाड़ी में। तो अगर वडोदरा के अंदर सड़क पे ऐसी गाड़ी दिख जाए ना, मतलब समझ जाना कि भाई साहब वो यूट्यूबर जा रहे हैं एक गाड़ी में। ये है जिग्नेश भाई की गाड़ी, चकाचक लगती है भाई, बाइक लवर ही जान सकता है कि इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन ये क्या रखा है, अच्छा साफ करने का ब्रश रखा हो वहाँ पर, अपने जाने मन भी एकदम चकाचक, यहाँ पर जिनी भी चकाचक। अभी जब मैं रूम से बाहर निकल रहा था ना, तो मयंक भाई हमारे रूम में बैठ करके पकौड़े बना रहे। उनका एक बार पहले भी मन था पकोड़े बनाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज फिर से वो कोशिश कर रहे हैं और इस बार वो सक्सेसफुल हो गए, पकोड़े उन्होंने बना दिए। लेकिन मैंने जब उनको पूछा कि मैं आपको व्लॉग में ले लूं, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को मत लेना, उनको शर्म आती है, तो उनको अपन नहीं लेंगे। लेकिन हाँ वो पकोड़े बना रहे। क्यों रे तेरे को पकोड़े खाने गए, पकोड़े खाएगा नहीं, मयंक भाई बुला रहे ऊपर खाने के लिए, वो ऊपर जाके आया। हाँ क्या बोले भाई साहब, वो किसका शर्ट है का पक्का, सारे मेरा भी सेम शर्ट है, तू मेरा शर्ट तो नहीं यूज कर रहा। नहीं बोलता है, देख रो कितने ये होते हैं दोस्त, क्या रियल लाइफ दोस्त भाई। पिक्चरों में और सीरीज में जो भी आप देखते हो ना वो सब तो ठीक है, वो सब विजुअल्स है, लेकिन मैं अपनी रियल लाइफ आपको दिखाता हूँ, और ये है रियल लाइफ दोस्त। दैट इज वाई इतना पब्लिक ट्रस्ट करते हैं, तो मेरे पे ट्रस्ट किया करो, फॉलो किया करो, शेयर किया करो, लाइक कर दिया करो। भाई साहब मेरे शर्ट से धो रहा है, पोछ रहा है। कोई बात नहीं, गाड़ी धो दी है, अब इसको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर कुछ बोलूंगा तो मेरे पे उल्टा आ जाएगा, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। Oh no! पकोड़े खाते हैं आप, और ऊपर चल दे पकोड़े खाते हैं, मजा आ जाएगा। क्या साले मेरे को बुला रही है, पक्का कुछ ना कुछ ऐसा अतरंगी सा बोलेगा, क्या हो गया अभी बोल। ऊपर से स्टिकर लेके आना, यही काम बच गया था मेरा। हाँ। स्टिकर्स लेके आओ लोगों के। साफ सफाई मैंने करी, आ गया पॉइंट, आ गया, मैं बोल ही रहा था इस पॉइंट के बाद। ठीक है लेके आ रहा हूँ, बस लेके आ रहा हूँ, चुपचाप रहे, लेके आ रहा हूँ। देख रहे हो सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन चलो मैं लेके आता हूँ। हाँ भाई बंदा काम का तो है, ये बड़ा मेहनती बंदा है, ठीक है। तो कोई अगर बंदी हो तो बता दियो इसके लिए। मत बताना भाई साहब, भाभी मेरे को बहुत मारेगी, ठीक है। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो भैया अभी बजे हैं शाम के 5 और ऊपर नेश भाई और मयंक भाई दोनों के दोनों पतंग उड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अंदर अपना काम कर रहा था, और उतने में ही मयंक भाई आए और बोलते हैं कि बहुत ऊपर उड़ चुकी है पतंग, जल्दी से आप पतंग देखना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं भाई साहब, पतंग वतंग देखते हैं, मजा आएगा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो दोनों के दोनों बैठे हुए पतंग उड़ाते हुए। अरे 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 इतना क्या जोश, ओ देख देख रहे हो सामने पतंग जा रही है भाई साहब। कौन सी वाली पतंग है यार अपनी, कौन सी वाली पतंग है, कौन सी सबसे ऊपर है, वो ब्लू वाली, वो ब्लू वाली, क्या बात है ब्लू वाली पतंग, मुझे ऊपर ब्लू वाली पतंग। अरे 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 क्या बात है किसकी पतंग टूट गई, अरे यार वाली पतंग टूट गई, वाली पतंग टूट गई भाई साहब। ये देखो पतंग, ये होते हैं पतंग की रसिया, देख रहे हो। ओहो हो, जिग्नेश भाई भी लगे हुए पतंग वतंग उड़ाने में, और भाई साहब अभी जो हवाएं चल रही है ना, गज्जे भी हवाएं चल रही एकदम ठंडी ठंडी। तो मयंक भाई को भी मजा आ रहा है पतंग उड़ाने में, जिग्नेश भाई को भी मजा आ रहा है पतंग उड़ाने। हाँ खंबात के हैं, खंबात के, ये देखो बोल रहे हैं मैं खंबात का, ऐसा बोलना ठीक है। हाँ खंबात के हो आप, बन जाएगा। अरे नीचे नीचे आई भैया, नीचे आई, अरे जल्दी पकड़ो, खींचो खींचो, अरे अरे जाने दो जाने दो, अरे फिरकी लो फिरकी, अरे अरे यार टूट गई, अरे यार टूट गई पतंग, अरे कहाँ गई, अरे ओ भाई साहब गई, वो देखो वो जा रही है।
अभी तक कितनी पतंगी गई टोटल? एक गई, दूसरी बच भी है। देखो वहां पर ढगला पड़ा है पतंगों का। गई भाई साहब, पतंग तो टूट चुकी है, अभी दूसरी पतंग ली जा रही है। इसको लगाया जाएगा एकदम मांझे पे और ऊपर टांगा जाएगा। भाई तो हमने एक नया आविष्कार किया, एक्चुअली हमने नहीं किया, मयंक भाई ने किया एक नया आविष्कार। और आविष्कार कुछ ऐसा है कि जितने भी लोग पतंग उड़ाने वाले हो ना और उनको पता नहीं है, उनके साथ कोई बंधु नहीं है फिरकी पकड़ने के लिए, तो उसके लिए हमने इंतजाम किया है। मयंक भाई ने ये देखो कितना प्यारा इंतजाम है, मतलब जूता है और उसके साथ में ये फिरकी बांध दी गई है, यहाँ से ऐसा जाएगा। ये देखो कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स कि अच्छे से फिरकी विरकी एकदम कमाल की हो जाएगी। ये देखो भाई साहब, मैंने नया आइडिया दे दिया आज के व्लॉग के अंदर, आपको छोटी सी सीख तो मिली। अगर आप पतंग उड़ाते हो तो ये आइडिया काम कर जाएगा, ठीक है। धन्यवाद तो बोलो। देख रहे थम्स अप पिलाएंगे अभी, ऐसा बोल रहे हैं। पी रहे हो ऐसा बोल रहे हैं? अच्छा पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा ठीक है, मैं सोचा कुछ और, लेकिन कोई बात, वो भी रसिए हैं आदमी। जिसको और पीना हो आ जाए, जिसको और पीना हो आ जाए। थम्स अप की बात हो रही है बाय द वे, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ प्रभु, अभी तो कम ही पतंग उड़ रही है, लेकिन जब उत्तरायण का दिन होगा ना, आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मकर संक्रांति के दिन इतनी पतंगे उड़ेंगे ना आसमान दिखेगा ही नहीं। ये देखो उधर कुत्ता भी भौंक रहा है, कुत्ता भी पतंग उड़ा रहा है, क्या बात है। वो देख रहे हो डॉगी भी पतंग उड़ा रहा है, वहाँ पर भी भरा हुआ है, क्या बात है। इधर का कुत्ता, कुत्तों का जमाना है, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी पतंगे, वहाँ पर भी बहुत सारी पतंगे दिख रही है, अभी नहीं दिखेंगी आप लोगों को, उतना जूम मैं नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ भरा हुआ है पतंगों से। देखो वो आसमान, और ये वाला आसमान तो पहले से भरा हुआ है पतंगों से। नहीं इनको भी दिख गई देखो पतंगे, तो फिर अरे मैंने बोल दिया मतलब दिखा। अरे वो देखो पतंगे उड़ रही, वो देखो टूट गई पतंग, टूट गई भाई। अबे वो पतंग टूट गई, देख सामने, देख पतंग टूट गई। अरे क्या पीट क्या दिखा रहा है, पतंग उड़ गई, टूट गई पतंग साले, पतंग टूट रही है, उधर झूठ बोल रहा है। अबे अभी खुद की पतंग कटी ना, इसलिए जब खुद का कटता है ना तब पता चलता है। समझ जाते हैं लोग, कितने दूर जाएगी ये बताओ। अभी तो देख ले कितनी दूर जाती है वो, बहुत दूर लेके जाने का इरादा है इनका। किसको? जो पसंद आए। अभी तो पतंग की बात कर रही थी ना अपनी। हाँ तो वही तो बोल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया, पतंग की बात हो रही है। देखो अभी गलत समझ रहा है, मैं कुछ गलत, ये आप गलत मीनिंग में बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अभी हम पतंग उड़ाएंगे, बोलते जाओ और कुछ करते जाओ। देखो ये देखो, फुल तैयारी में उड़ाने, और इस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है पतंग उड़ाने से पहले। ओहो, ये ऊपर गई है भाई साहब, ऊपर किया गया है, पहले सुस्त पड़ी हुई पतंग अभी ऊपर जा रही, क्या बात है। ये देखो ओह भाई साहब, अभी तो पास में थी, इतने दूर पहुंच गई। अरे बाबू छोड़ी दी तू, मेरा हाथ कट गया भाई, मेरा हाथ करते करते बचा, मजाक नहीं कर रही हूँ, ऊपर देख, मेरा हाथ करते करते बचा, सच्ची एकदम सुर से भी कट गया। ये देखिए देखिए भाई, सच्ची कट गया, पतंग मतलब मेरा पतंग उड़ाने से पहले सावधानियां जो आपको बरतनी चाहिए, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, मैं ये आशा करता हूँ। मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए पतंग को पकड़ा था, लेकिन 2 मिनट के अंदर अगर आपको पतंग उड़ाने नहीं आती है तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये देखो ये कट गया भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पर भी कट गया। तो जितने भी बच्चे हैं ध्यान रखो, जितने भी लोग हैं जिनको उड़ाने नहीं आता है प्रोफेशनली, धागा पकड़ने से पहले अपने हाथों को सुरक्षित रखना भाई साहब, कट जाएगा और बहुत ही दुखता है ठंडी में। आप समझ रहे हो ठंडी में क्या होता है हाथों का हाल, मेरे को कट गया भाई साहब, पता है मेरे को कितना दुख रहा है वो, ठीक। तो वो चीज ध्यान रखना, सड़क पे पतंग ना उड़ाइए प्लीज यार, क्योंकि आने जाने वाले जो बाइक स्कूटी वाले टू व्हीलर्स वाले जो होते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ होती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, सुनने लायक भी नहीं है यार, ऐसे ऐसे लोगों के साथ हुआ है। तो वो बस मत करिएगा, उसका ध्यान रखिएगा, आपसे दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ, गुजारिश करता हूँ दिल से, उत्तरण मनाइए, सेफली मनाइए, ऐसा ऐसा कटवट नहीं जाना चाहिए, और पक्षियों को ज्यादा नुकसान ना हो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। जो धागे होते हैं जो नुकसान करते हैं, ऐसे जो धागे होते हैं उनको यूज मत कीजिए भाई साहब। ये तो मेरा कट गया, पता नहीं उनका नहीं कटा यार, मैंने उनको चिल्लाया भी कि यार कैसा धागा लेके आया, मेरा कट गया। फिर वो बोले कि नहीं यार हम लोग का तो नहीं कटा, तेरा पता नहीं क्यों कट गया हाथ। मैं क्या ठीक है कोई बात नहीं, तो होता है कभी कभी, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, गूगल पे देख लेना क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए पतंग उड़ाने से पहले, वो सारी सावधानियां रख लेना। सड़क पे मत उड़ाना प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूँ यार, टू व्हीलर वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सड़क पे मत उड़ाइए, किसी की जान भी जा सकती है सड़क पे उड़ाने से, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का।